भाई एमटी जो वो गिर पड़ी है, कुछ ऐसी वाटर क्रॉसिंग मिलेगी आप लोगों को भाई। देखो यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू आदि कैलाश यात्रा। और गाइस हम यहाँ रुके हैं, वहाँ पे एक डॉगी है जिसका नाम है रॉबर्ट। गाइस यहाँ जड़ी बूटी वाली चाय मिलती है। देखो भाई हमें क्या मिला है, चौ साइन कर रही है भाई। तो गाइस हम सुबह सुबह भी उठ के आए हैं रूम से, और देखो भाई हमें क्या मिला है, चौ साइन कर रही है भाई। देख रहे भाई अपना, ये देखो भाई सीट के ऊपर जो हल्का हल्का पारा पड़ा है ना, उससे बर्फ जो है जम गई है इस पे भी, और देखो उस पे भी। लो संदीप भाई पहले एमटी को कोल्ड स्टार्ट करो। डोमिनार में तो धक्के लगाना पड़ेगा। ये तो लफड़ा हो गया ना, पेट्रोल ना जम गया। नहीं पेट्रोल नहीं जमता भाई। लगाते हैं चाबी, इग्निशन तो इसका भी ऑन होता। करना स्टार्ट इंजन तो ऑन करो। एक स्टार्ट हो गई तो दूसरी स्टार्ट हो गई भाई। ये तो स्टार्ट हो गई है, दो बाइक के तीन बाइक होना जरूरी है। इसकी बैटरी जो है वो हो गई पुरानी, तो ज्यादा ठंड झेल नहीं पा रही है। गाइस हम यहाँ रुके हैं, वहाँ पे एक डॉगी है जिसका नाम है रॉबर्ट। भाई देख रहे हो भालू सा एकदम। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो भाई आज सेकंड डे हमारा गुंजी के अंदर, और आज हम जा रहे हैं आदि कैलाश के दर्शन के लिए। दिखते हैं भाई हो पाते हैं नहीं हो पाते, ऊपर जाने भी देंगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि भाई रात में थोड़ी सी बर्फबारी हो गई है। सामने देखो उधर और उधर भी, भाई रात में टेम्परेचर माइनस में गया है। जो रोड पर जो पानी होता है नॉर्मल जैसे ये दिख रहा है, ये जम गया भाई पूरा। तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, और रेनकोट डेली की तरह सेम कपड़े भाई, यहाँ तो कपड़े चेंज करने का मौका भी नहीं मिलता भाई, क्योंकि रेनकोट में ही सब कुछ होता है, ठंडी इतनी ज़्यादा है भाई। बर्फ देख रहे हो अभी भी टेंट के ऊपर जमी हुई है, और भाई इधर देखो कितना खतरनाक व्यू है ना, पूरा पहाड़ के ऊपर रात रात में इतनी बर्फबारी होगी भाई कि पूरा पहाड़। तो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, आदि कैलाश की तरफ। तो भाई जय हो भोले बाबा की, और निकलते हैं अब दर्शन के लिए आगे। भाई ज़्यादा देर बाइक नहीं चला पाऊंगा मैं, क्योंकि ग्लव्स नहीं है ना, तो हाथों में जो ये वाले ग्लव्स हैं ये ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है ना कि हाथ जो है काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए फिर मैं थोड़ी देर बाद डेवल भाई को बाइक दे दूंगा। भाई मौसम तो खुला हुआ है, धूप भी निकल रही है, आगे का कुछ पता नहीं क्योंकि ऊपर बहुत आदि कैलाश भाई थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो वहाँ बर्फबारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल जितना यहाँ होती है उससे ज़्यादा डबल हो जाती है भाई। अब देखते हैं क्या सीन रहता है, अगर नहीं हो पाए दर्शन तो लौट के आगे फिर हमको वापस निकलना धारचूला के लिए। और अभी देखो भाई रास्ता तो सूखा है आज का, आज थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। गीली रोड पर थोड़ी सी बाइक जो है कंट्रोलिंग में थोड़ी सी दिक्कत देती है भाई, और थोड़ी सी फटती है ब्रेक लगाने में, क्योंकि बाइक स्किड बहुत करती है। कल यहाँ पे भाई इस आइस थी, देखो ये पूरा जो वाइड रेड दिख रहा है ना सारा आइस का सिस्टम है भाई। यहाँ की चढ़ाई बिल्कुल सीधी चढ़ाइयाँ होती हैं, तो बाइक को पहले या फिर दूसरे गियर में ही चढ़ा सकते हो आप, वरना गिर भी सकते हो। देख रहे हो भाई उस चोटी पे, देखो हल्की सी धूप पड़ रही है तो कितनी चमक रही है वो। भाई आदि कैलाश का रोज जो रूट है वो ओम पर्वत से थोड़ा सा बढ़िया है, वहाँ पे थोड़ा पक्का रोड भी है। स्टार्टिंग में तो भाई पक्का रोड ही दिख रहा था कल, अभी जाके देखते हैं भाई। यहाँ पे किसी को एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है, तो अभी हम यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पे अभी अपनी बाइक चली है,
583 किलोमीटर, और अब यहाँ से देखते हैं आदि कैलाश कितना दूर है। भाई देखो यहाँ जो है बर्फ जमी हुई है, ये देखो पानी पूरा जमा हुआ है यहाँ पे। और भाई ये वाला रास्ता जाता है आदि कैलाश के लिए ऊपर वाला, और साइड वाला रास्ता ओम पर्वत के लिए चला जाता है। आप लोग आओगे तो आपको यहाँ लिखा दिख जाएगा, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू आदि कैलाश यात्रा, और इधर ही आदि कैलाश का रास्ता, और इसके पीछे ओम पर्वत का। और रास्ता देखो कितना मस्त लग रहा है अभी। थोड़ा सा खींच के चलते हैं भाई, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा बढ़िया है, और भी बाद में कुछ पता नहीं कैसा रास्ता मिले। भाई बहुत ठंडी है यार, मेरे हाथों में अभी दर्द होने लगा भाई, इतनी ठंडी पड़ रही है। ज़्यादा देर तक बाइक नहीं चला सकते आप यहाँ पर, अगर आप ग्लव्स पहन के नहीं आए हो तो, और इस मौसम में तो भाई बहुत खतरनाक है। कुछ ऐसी वाटर क्रॉसिंग मिलेगी आप लोगों को, तो गाइस पहले चेक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आदि कैलाश गया 15 या फिर 14 किलोमीटर दूर। भाई ठंड बहुत थी, साइलेंसर से हाथ को गर्म करना पड़ रहा है बाइक के। भाई थोड़ा सा रूट खराब है यहाँ का भी, गिट्टियाँ पड़ी हुई है यहाँ पे, जिससे बाइक जो है वो स्किट होती है, तो थोड़ा संभाल के आना। और भाई यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है, अगर आज भाई धूप नहीं निकलती ना तो दर्शन हमारे नहीं हो पाते। भाई ग्लव्स पहन के बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है यार, वो ग्लव्स बहुत ठंडे हो जाते हैं ना, तो उंगलियों से चिपक जाते हैं, और धूप भी निकल आई है, तो इसलिए मैंने ग्लव्स जो है वो रख दिए हैं। भाई इन दोनों भाइयों के तो गोबरू बंद हो गए, ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। भाई यहाँ देख रहे हो बर्फ़ कितनी बड़ी है, ये देखो भाई यहाँ तक बर्फ़ है, मतलब नीचे तक इस रोड तक बर्फ़ होगी। कल इसलिए यहाँ पर आना बंद करवा दिया था, किसी को नहीं आने दिया गया था। देखो रोड पर अभी भी बर्फ है, ये जो पानी है ना पूरा जमा हुआ है। भाई वो तो मौसम ठीक हो गया वरना आज भी नहीं आ पाते हम लोग। दर्शन मेरे को लग रहा है भाई बहुत प्यारे दर्शन होंगे हम लोगों को आदि के लास्ट के। ओम पर्वत के नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आदि के लास्ट के तो हो जाए। और भाई अब ये एक चीज़ ये भी रहेगी अगर दर्शन नहीं हो पाए तो, कि हाँ हम आदि कैलाश और ओम पर्वत होके आ चुके हैं। फिर अगर कभी मौका मिला तो देखते हैं भाई, अब क्या भाई इधर आना तभी होगा जब मानसरोवर की यात्रा जो है वो ओपन हो जाएगी। भाई यहाँ तो थोड़ा बहुत, यहाँ पे तो लोग भी हैं यार, काम चल रहा है। भाई थोड़ी सी दूर रह गए, हमने जिस चेक पोस्ट पे अपना पास चेक कराया था वहाँ से उन्होंने बताया था कि 10-12 किलोमीटर रह गया होगा, तो अभी लगभग 5 या फिर 6 किलोमीटर रह गया होगा। भाई ये MD का क्रूज़ कंट्रोल अगर ऑफ रहे ना तो ये पावर ड्रॉप करती है यार, बहुत ज़्यादा पावर ड्रॉप करती है। यहाँ पर रोड बनना है भाई, अभी रोड यहाँ पे आपको अगली आने वाली साल में रोड बन के तैयार हो जाएगा, इतनी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी भाई धूप निकल रही है तब भी ठंड लग रही है, तो देखो भाई कितनी ज़्यादा गिट्टी पड़ी हुई है। ये गिट्टी जो है ना, इसी गिट्टी में थोड़ी सी बाइक जो है आपकी डिसबैलेंस हो सकती है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलें भाई। हम 7 बजे निकले थे वहाँ से, अभी 8:30 भी नहीं हुए हैं, और हम लोग आदि कैलाश थोड़ा सा पीछे हैं, इसका मतलब हम धारचूला के लिए निकल सकते हैं वापस। भाई ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे हम लोग आदि कैलाश पर, अगर दर्शन हो गए तो 1 घंटे में वहाँ से दर्शन करके निकल आएंगे वापस, क्योंकि मौसम भाई बहुत खुला हुआ, देख रहे हो ना, खुला आसमान, बिल्कुल खुला, बिल्कुल एकदम साफ बादल दिख रहे हैं। भाई यहाँ से दूरी का कुछ पता नहीं चलता है, कि यहाँ पे एग्जैक्ट लोगों को दूरी नहीं पता है यार, वो लोग कुछ कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है।
भाई ओम पर्वत लगभग लगभग एक तरफ साइड गुंजी से 20 किलोमीटर दूर है, और इसका अभी पता चल जाएगा कितना किलोमीटर है। मैंने डोमिनार में जो ट्रिप लगा दी थी, तो देखते हैं कितना होता है एक तरफ से। सो गाइस थोड़ी सी दूर पर रह गए हैं आदि कैलाश, और हमारे हाथ जो है वो थोड़े से जमने से लगे थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए। और भाई यहाँ से मैंने नीचे एक भैया दो भाई लोग घोड़े लेके जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने भैया कितने दूर रह गया, तो उन्होंने बोला ज़्यादा दूर नहीं लगे, आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे आपको दर्शन जो है वो हो जाएंगे। भाई इसका ट्रैक्शन जो है वो बार बार ऑन हो जाता है यार। भाई ये देखो कितनी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग पड़ती है यहाँ पे बीच में। हाँ निकालो ना, हाँ निकालो, पीछे गाड़ी आ रही है। चलो 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 उधर से लो, उधर से ही हाँ। ना ना भैया टेढ़ा कर दो, ऊपर से निकाल दो, ऊपर से, ऊपर से निकल जाएगी। हाँ ऊपर मुझे भैया कैसे टेढ़ा कर, तुम पीछे लो हम इधर से निकाल दें। अरे मेरी बात सुनो, वहाँ से सीधे निकालो, वहाँ से भैया टेढ़ा कर देना यार, ये पानी तेज है ना। अरे तो इतना तेज थोड़ी है कि बाइक फिसल जाएगी। अरे हटो, लाभ मैं निकाल रहा हूँ, हटो। भाई एमटी जो वो गिर पड़ी है, भाई बर्फ देख रहे हैं, बस स्पीड कर दी। गाइस यहाँ जड़ी बूटी वाली चाय मिलती है, चलेंगे वो गर्म हो। भाई यहाँ पहुँचते ही हमें दर्शन हो गए आदि कैलाश के, इधर से दिखाता हूँ मैं। भाई हम ऊपर बढ़ रहे हैं गौरी कुंड की तरफ, और वहाँ का ये छोटा सा ट्रैक है, चलते हैं भाई। हाँ बर्फ देख रहे हो कितनी पड़ गई, इधर से आओ भाई। ट्रैक यहाँ थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे है, अभी तो हल्की हल्की सी हो रही है, ऊपर पहुँचते थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन डरना नहीं है, करना है तो चलते रहो बम बम बोले। गाइस वो चेक करो, ये बैठे हमारे नंदी महाराज, दिख गए आप लोगों को, ये बैठे हैं हमारे नंदी महाराज। और अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है ऊपर पहुंचने में, आधा रास्ता तो हमने कर लिया, बाकी देखते हैं। भाई ये देखो बर्फ दिख रही है आप लोगों को, मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को, देखना संदीप भैया इसमें चल सकता हूं मैं। ये देखो भाई तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर पे, सामने मंदिर दिख रहा होगा आप लोग। भाई थोड़ी सी हार्ड है लेकिन हो जाएगा, आप धीरे धीरे करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और थोड़ी सी बर्फ़ देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। यहाँ किसी ने भाई ओम बना रखा है, हम भी कुछ बना देते हैं। भाई हम क्या बनाएं यहाँ पे,
गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर पे, बाहर उतारते हैं जूते फिर चलते हैं अंदर दर्शन के लिए। गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग मंदिर पे और सामने हैं हमारे आदि कैलाश। आज तो भाई दर्शन हो गए। अब बताइए भैया कौन सा पांडव पर्वत है ये सामने वाला? हाँ। किस वजह से बोला जाता है इसको पांडव पर्वत? पांच पर्वत है। अच्छा अच्छा लगातार जो एक तो हाँ ठीक पांच वो कैलाश की ओर आ गए जी। वो उनका मुकुट है देवी का वो। हाँ। अच्छा तो ये अभी कितने दिन में बंद हो जाएगी यहाँ पे आना? अभी रहेगा एक आध हफ्ते इस महीने बाद बंद है। तो भाई ये है पार्वती कुंड जो कि अभी फ्रीज हो गया है बर्फबारी की वजह से। बाकी सामने आदि कैलाश, इधर पांडव पर्वत और वो उधर वो देवी जी का मुकुट वो जो दिख रहा है। तो गाइस ओ भाई साहब यहाँ से चढ़ाई करते हुए आ रहे हम लोग यहाँ तक। वो बंदा पार्वती कुंड में नहा रहा है। कौन? ऊपर उठ के देख। हाँ तो पूरा वहाँ पे भाई वो देखो वो मानना पड़ेगा बंदा पार्वती कुंड में नहा रहा है भाई। भाई घुसना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात फ्रोजन है पूरा यार। वो जमा हुआ है पूरा। तो गाइस देखो कहाँ से उतर रहे हैं। संदीप भाई को देखो भाई उधर देखो। सो गाइस हम लोग ट्रैक करके आ चुके हैं वापस और अभी मैंने उस पोस्ट पे पूछा था दोबारा चेक कराना है तो भैया बोले नहीं उन्होंने कहा जल्दी निकल जाओ अब अभी बर्फ पड़ने वाला है तो जल्दी से निकलते हैं। संदीप भाई और ड्राइवर पता नहीं कहाँ है भाई दिख नहीं रहे। इस हम लोग आ चुके हैं अपने होम स्टे पे बहुत जल्दी। वहाँ से हम लोग 12 बजे निकले थे और 1:19 हो रहा है हम लोग यहाँ आ गए। और भाई अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं धारचूला के लिए। अब जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक आपको बता देंगे। अभी भाई फाइनली लग रहा था कि दर्शन नहीं हो पाएंगे दोनों में से किसी भी जगह के, पर भाई दोनों जगह के दर्शन हो गए। ये बहुत अच्छे हुआ हमारे साथ भाई। जो लोग आना चाहते हैं वो आए, मई में आए। मई में बहुत बढ़िया टाइम होता है, बाइक लेके आओ आप, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। मई जून में आओ आराम से, कोई इशू नहीं आने वाला। बस पंचर किट साथ में लेके आओ क्योंकि रूट बहुत ज़्यादा बुरा है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में।